मोहित शर्मा के इस बॉल पर जब सूर्यकुमार यादव अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए बोल्ड हुए तो सभी प्रशंसकों को यह समझ में आ गया था कि ये मुंबई इंडियंस के फाइनल में खेलने की उम्मीदों पर सूर्यास्त हो गया। सूर्यकुमार यादव को उनके फेवरेट शॉट पर बोल्ड मारा मोहित शर्मा ने। इससे पहले पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट इन्होंने निकाला था, धोनी इनके खिलाफ नहीं रन बना पाए थे और कई मैचेस में इन्होंने रन विकेट निकाले हैं। मोहित शर्मा वो गेंदबाज जिन्होंने इस आईपीएल में 24 विकेट लिए, इनसे आगे केवल आईपीएल में दो गेंदबाज हैं, एक का नाम है राशिद खान, एक का नाम है मोहम्मद शमी और वो दोनों इन्हीं टीम के गेंदबाज हैं। मोहित शर्मा जो गुजरात टाइटंस के लिए बेस्ट फिगर रखते हैं, 5 विकेट 10 रन देकर ये गुजरात की तरफ से किसी भी गेंदबाज का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। मोहित शर्मा जिन्होंने जबरदस्त फील्डिंग की, जबरदस्त गेंदबाजी की और उनकी गेंदबाजी कमाल था कि आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में वो दूसरे सबसे बेस्ट फिगर वाले गेंदबाज बन गए। पहला रिकॉर्ड जो है कुछ दिन पहले आकाश ने बनाया था 5 विकेट 5 रन देकर और आज 10 रन देकर 5 विकेट। लेकिन आपको मोहित शर्मा की कहानी को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए क्योंकि ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में आपको कभी हार नहीं माननी है। चुनौतियां आएंगी लेकिन उन चुनौतियों का आपको सामना करना, और वो बड़ा अच्छा शेर है कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश, उसको है जिद तो उसकी जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। लेकिन मोहित शर्मा के मुकद्दर में सब कुछ लिखा था। मोहित शर्मा एक जमाने में टीम इंडिया के स्टार बॉलर थे। 2015 वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें भुवनेश्वर कुमार रेस्ट कर रहे थे, मोहित शर्मा खेल रहे थे। मोहित शर्मा एक जमाने में पर्पल कैप होल्डर रह चुके हैं। मोहित शर्मा 2-2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप। मोहित शर्मा ने आईपीएल में स्टारडम भी देखा है। लेकिन फिर मोहित शर्मा की कहानी में एक ठहराव आता है, एक गिराव आता है। पिता की मौत होती है और उसके बाद मोहित शर्मा चारों तरफ से अकेले पड़ जाते हैं। मोहित शर्मा जिस टीम के लिए आज कमाल कर रहे हैं और जिस टीम के लिए आईपीएल में 3rd highest विकेट टेकर हैं, क्या आप जानते हैं कि इसी टीम में वो नेट बॉलर हुआ करते थे? वो गेंदबाज जो आज T20 में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को बोल्ड मार रहा है, वो यहां आए नए नए लड़कों के साथ गेंदबाजी करता था बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। मोहित शर्मा के कोच ने कहा था कि अब वक्त आ गया बेटा कि तुम रिटायरमेंट ले लो और रिटायरमेंट के बाद कोचिंग करना शुरू करो, तुम्हारे ऊपर पर्पल कैप का टैग लगा है, तुम एक जमाने में स्टार गेंदबाज थे, वर्ल्ड कप खेल चुके हो, कोई भी टीम तुम्हें आसानी से ले लेगी। अगर प्लेयर के तौर पर खेलोगे तो कम पैसे मिलेंगे, बेस प्राइस पर जाओगे, अगर कोच के तौर पर खेलोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन मोहित ने कहा, सर मुझे लगता है अभी मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है और 1-2 सीजन और ट्राई करना है, नहीं कर पाया तो जिंदगी। और वो जो नेवर गिव एटीट्यूड था वो काम आ गया। हालांकि इस आईपीएल में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपनाया, जिसमें पीयूष चावला का नाम है, ईशान शर्मा का नाम है, संदीप शर्मा का नाम है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। हालांकि सब में शर्मा शर्मा भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मोहित शर्मा की कहानी इन सबसे अलग है क्योंकि मोहित शर्मा फिलहाल 3rd highest विकेट टेकर हैं और इसलिए इनके बारे में आपको जानना चाहिए कि कैसे स्टारडम देखा, स्टारडम के बाद इनका गिराव हुआ, गिराव के बाद हार न मानने वाला जज्बा रहा और उसकी वजह से एक बार फिर वापसी की और ऐसी वापसी की कि अब दुनिया मिसाल दे रही है कि यार अगर हौसला हो, जज्बा हो, जुनून हो और समर्पण हो तो आप जिंदगी में कभी भी वापसी कर सकते, आप कमाल कर सकते हैं। आपको खुद पर तो विश्वास हो, दूसरे आप पर संदेह करेंगे, आपके अपने भी संदेह करेंगे। इनके कोच ने संदेह किया था लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तो हमें लगा आज हम कहानी सुनाते हैं वो उस मोहित शर्मा की जो नेट बॉलर के तौर पर आया और अब टीम इंडिया के दरवाजे भी खटखटा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे शामिल कर लो, मैं अच्छा गेंदबाज हूं, तुम्हें जिताऊंगा मैं, T20 में, ODI में, जहां मर्जी हो वहां शामिल कर लो, 24 विकेट निकाल लिए मैंने और अभी फाइनल बाकी है, टॉप की लिस्ट में वो आ गए। कमाल यार, कमाल मोहित शर्मा। मोहित शर्मा की कहानी जो होती है वो शुरू होती है साल 2012-13 में। मोहित जो है वो हरियाणा के लिए डेब्यू करते हैं और उस सीजन में 8 मैच में 37 विकेट निकाल लेते हैं और 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाते हैं। इस टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग जो है काफी प्रभावित हुई, 2013 आईपीएल के लिए साइन किया और उस जमाने में सीएसके के बॉलिंग कोच होते थे एंडी बिचेल, जिन्होंने एक दिन के बॉलिंग कैंप के बाद मोहित शर्मा को फाइनलाइज कर लिया। इसके बाद मोहित शर्मा का डेब्यू जो है वो आईपीएल में हो जाता है। पहले सीजन में मैच खेलते हैं, 15 मैच खेलते हैं और उसमें 20 विकेट निकाल लेते हैं जो उनका पहला सीजन रहता है। इस 15 मैच में 20 विकेट का असर यह होता है कि उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल जाते हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ वो डेब्यू करते हैं।
पहले ही मैच में आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बन गए थे फर्स्ट मैच में अपने इंटरनेशनल मैच में। 2014 आईपीएल इसके बाद आता है। 2014 आईपीएल में मोहित शर्मा उस दौर में अपना पीक देखते हैं। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में जो पीक उनका था उससे ज्यादा विकेट वो इस साल निकाल चुके हैं। उस सीजन में जब इन्होंने पर्पल कैप हासिल की थी तब 16 मैचेस में 23 विकेट मोहित शर्मा निकाले थे और 2014 के पर्पल कैप होल्डर थे। लेकिन इस सीजन में मोहित शर्मा ने अपने 16वें मैच में 24 विकेट निकाले हैं। वो थर्ड नंबर पर हैं और अगले मैच में उनका कंपटीशन जो है वो शमी और राशिद खान से होने वाला जो उन्हीं की टीम में गेंदबाज है। लेकिन 2013 में इस प्रदर्शन के बाद उनके लिए टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के दरमियान मोहित शर्मा वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं। इंडिया फाइनल में जाती है, श्रीलंका के सामने हार जाती है और टीम इंडिया का सपना जो है वो टूट जाता है। लेकिन मोहित शर्मा अपने प्रदर्शन से छाए रहते हैं। इसके बाद आता है साल 2015 विश्व कप। साल 2015 विश्व कप में मोहित शर्मा का फिर एक बार टीम इंडिया में सिलेक्शन होता है और उन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए 26 वनडे मैचेस और 8 टी20 मैच खेले हैं और वनडे में 31 विकेट लिए हैं, टी20 में 6 विकेट नाम लिए। एक जमाने में इन्हें महेंद्र सिंह धोनी का काफी खासम खास माना था। हालांकि 2017-18 के बाद इनकी परफॉर्मेंस जो है गिर जाती है और 2020 में चेन्नई सुपर किंग जब बुरी तरह से हार रही होती है तो इनको रिलीज कर दिया जाता है। मोहित शर्मा दिल्ली के लिए साइन करते हैं, यहां से चले आते हैं यूएई। यूएई में उनका मैच होता है, दुबई में यूएई में मैच होता है और वहां पर एक मैच खेलते हैं पंजाब के खिलाफ जहां पर 45 रन देकर एक विकेट निकालते हैं 4 ओवर में। और वहां से उनके पिताजी की डेथ होती है, वो इंडिया लौटते हैं 2020 में। 2020 में आखिरी मैच खेला था, उसके बाद से लगातार वो गायब थे। उसके बाद उनको लोग भूल जाते हैं। अगला सीजन आता है 2020 में, दिल्ली कैपिटल ने उन्हें अपने साथ जोड़ा लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल ने छोड़ दिया। उनको बैक की इंजरी भी हो गई थी, फिर घरेलू क्रिकेट से भी थोड़े समय के लिए बाहर रहे। इसके बाद 2022 का मेगा ऑक्शन आता है जब वो दोबारा अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी एक खिलाड़ी ने उनके अंदर न दिलचस्पी दिखाई, किसी भी एक फ्रेंचाइजी उनके अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई और मोहित शर्मा जो स्टार गेंदबाज थे, टीम इंडिया के हिस्सा थे, पर्पल कैप होल्डर थे, वो गायब हो जाते हैं, क्रिकेट की दुनिया से गायब हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि एक दिन उन्हें फोन आता आशीष नेहरा का और आशीष नेहरा उनसे कहते हैं कि तुम हमारा हिस्सा बनना चाहोगे। आशीष नेहरा ने ही उन्हें नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल करने के लिए कहा और काफी सोचने समझने के बाद इन्होंने अपने गुरु से बात की। इनके गुरु ने कहा कि नेट बॉलर बनने से अच्छा है इस्तीफा दे दो, रिटायरमेंट ले लो और जाकर तुम बॉलिंग कोचिंग शुरू कर दो, शायद तुम्हें मौका मिल जाए और तुम यहां से चले। लेकिन मोहित कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है और इस बाकी क्रिकेट को बचाए रखने के लिए मैंने कोशिश की। मैंने अपने गुरु से कहा 2 सीजन तो और ट्राई करूंगा। और नेट बॉलर में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको अफसोस नहीं होता कि आप वर्ल्ड कप प्लेइंग प्लेयर हैं, आईपीएल में आपने मैचेस खेले और आप धोनी के प्लेयर थे, पर्पल कैप होल्डर थे, आप नेट बॉलर बने, तो उन्होंने कहा देखो क्रिकेट में वापसी करनी थी और वापसी करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहिए। क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए मैं खेल रहा था, नेट बॉलिंग कर रहा था, जो सराउंडिंग थी वो उन्हीं खिलाड़ियों के बीच में थी और आशीष नेहरा ने मुझसे कहा था अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा तो तुम्हें शामिल कर लूंगा। 2022 में मैंने लगातार नेट बॉलिंग की, तब शामिल नहीं किया गया। लेकिन साल 2023 में जब मैं ऑक्शन में गया तो गुजरात ने ही मुझे नेट बॉलर की वजह से खरीद लिया, तो नेट बॉलर बनना मेरे लिए अच्छा था। हालांकि ये वाला एटीट्यूड भी सब में लाना कि आप जिस टीम के स्टार प्लेयर हैं वहां पर नेट बॉलर बन जाए, नहीं होता और संघर्षों में इंसान तब कर निकलता है। मोहित शर्मा करियर गिर रहा था लेकिन वो एक साल जो नेट बॉलर और उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया उसने उन्हें तपा दिया और तपाने का असर ये है कि आज वो अपने बेस्ट बॉलिंग फिगर से भी बेस्ट हो गए हैं, मतलब 24 विकेट निकाल चुके हैं। गुजरात टाइटन के लिए वो सर्वश्रेष्ठ आंकड़े वाले गेंदबाज बन चुके हैं, 5 विकेट 10 रन देकर। शमी का 4 विकेट 11 पे था, आईपीएल प्लेऑफ के बेस्ट बॉलर बन गए। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि अगर आप जिंदगी में हार नहीं मानते हैं तो मंजिल मिल जाती है, लेकिन आपको ये एटीट्यूड मोहित शर्मा रखने वाला हुआ और उनके अंदाज में